गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज का अपना जो न्यू टॉपिक था, सॉरी जो प्रीवियस टॉपिक था वो था कॉमर्स। कॉमर्स अपन ने पढ़े थे कि कॉमर्स क्या होता है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो फंक्शंस हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, उस कॉमर्स के फंक्शन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये अपन ने स्टडी कर ली थी। अब आज का अपना टॉपिक चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स हम देखेंगे, कॉमर्स को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेड और सेकंड है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार से होता है यहाँ पे, और एड्स टू ट्रेड जो कि बिजनेस को हेल्प करने वाली जो एड्स है, व्यापार को हेल्प करने वाली जो एड्स है वो। देखिए ट्रेड इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड क्या है? कॉमर्स का ही एक इंटरगल पार्ट है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस की जो बाइंग और सेलिंग होती है वही ट्रेड कहलाता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स की परचेसिंग करना, गुड्स की सेलिंग करना, सर्विस की भी अपन बोल सकते हैं, सर्विस की परचेसिंग करना, बाइंग करना, सेलिंग करना। तो जब गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है तो वो क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर्स। अब जो कॉमर्स का जो ट्रेड सेगमेंट है वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स को साथ साथ लाता है। ट्रेडर्स एक्ट एज ए लिंक। ट्रेडर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच की कड़ी होते हैं, एक लिंक होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों को आपस में जोड़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर द मैन्युफैक्चरर विल हैव टू सर्च फॉर कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर मैन्युफैक्चरर। अगर ट्रेडर्स एब्सेंस हो यानी ट्रेडर्स नहीं हो तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा? कंज्यूमर्स को सर्च करता रहेगा और जो कंज्यूमर्स है वो भी गुड्स के मैन्युफैक्चरर को सर्च करते रहेंगे। ट्रेड कैन बी क्लासीफाई इंटू टू टाइप्स। अब जो ट्रेड होता है वो भी टू टाइप्स का है। तो यहाँ पे ट्रेड क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्रेड, डिफाइन द ट्रेड। तो ट्रेड क्या है? कॉमर्स का इंटरगल पार्ट है, है ना। ट्रेड मीन्स ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी ट्रेड्स में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की परचेसिंग सेलिंग होती है। कॉमर्स का जो ट्रेड सेगमेंट है ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स को साथ साथ लाता है और इनके बीच की जो दोनों के बीच का लिंक बिठाता है वो है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स ही वो पर्सन्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स को जॉइंट करते हैं। इनकी एब्सेंस में मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स को ढूंढता रहेगा, सर्च करता रहेगा और जो मैन्युफैक्चरर जो कंज्यूमर्स है वो भी मैन्युफैक्चरर को सर्च करते रहेंगे। अब ट्रेड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल ट्रेड और एक होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं? इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। यानी जब एक ही कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर गुड्स या सर्विस की बाइंग एंड सेलिंग हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। यानी जैसे अपने इंडिया क्या है, कंट्री है। अब इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही अगर बिजनेस चलता रहता है ना, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड कहलाता है। जैसे इंडिया कंट्री, अब इंडिया के अंदर राजस्थान गुजरात ही इंडिया की स्टेट है। अब राजस्थान जो है वो गुजरात से माल खरीद रहा है, गुजरात राजस्थान को माल बेच रहा है, तो ये इंटरनल ट्रेड हो गया। इट इज़ आल्सो नोन एज होम ट्रेड, इसको होम ट्रेड भी कहते हैं। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर जो माल को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसके अंदर जो करेंसी चलती है वो होम करेंसी चलती है, यानी फॉरेन करेंसी नहीं चलती है, क्योंकि ये होम बिजनेस है, होम ट्रेड है, होम ट्रेड के अंदर होम करेंसी यूज़ की जाती है। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब इंटरनल ट्रेड भी टू टाइप्स के होते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने ट्रेड पढ़े, ट्रेड टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर भी इंटरनल ट्रेड भी टू टाइप्स के होते हैं, होल सेल ट्रेड और रिटेल सेल्स। अब होल सेल ट्रेड क्या होता है? होल सेल ट्रेड देखो,
इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटी, यानी जब एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर गुड्स और सर्विस को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वो होल सेल ट्रेड कहलाता है। समझ में आ रही बात को? जब आप लार्ज क्वांटिटी के अंदर माल खरीदते हैं, बाइंग करते हैं, और फिर लार्ज ही क्वांटिटी के अंदर सेलिंग करते हैं, तो वो होल सेल ट्रेड होता है। द होल सेलर बाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब होल सेल ट्रेड में क्या होता है, जो होल सेलर होता है वो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल को खरीदता है एंड सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर्स, और जो रिटेलर्स होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर उस गुड्स को सेल करते हैं। जनरली अ होल सेलर इज स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जनरली अगर देखा जाए तो होल सेलर जो होते हैं वही एक स्पेशलाइज होते हैं, किस चीज़ में, इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वन लाइन के अंदर। ही मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक, वो लार्ज स्टॉक को मेंटेन करते हैं, यानी बहुत सारा जब माल खरीद देते हैं तो उस माल को कहाँ रखते हैं, दुकान पे नहीं रखते हैं, उसके लिए वो एक गोदाम बनाते हैं, वहाँ स्टॉक करते हैं। ही बायज गुड्स फॉर कैश फॉर मैन्युफैक्चरर, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कैश में माल खरीदते हैं एंड सेल्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर, और जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनको क्रेडिट के फैसिलिटी देते हैं, यानी उधार में माल बेचते, खरीदते तो वो कैश में और बेचते वो क्रेडिट उधार में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होल सेल ट्रेड, होल सेल ट्रेड के अंदर एक बड़ी मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है, यानी होल सेल ट्रेड आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कैपिटल हो, ज़्यादा मात्रा में पूंजी हो। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज, जब छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर आप गुड्स को सर्विस को बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो वो रिटेल ट्रेड में आता है। द रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होल सेल्स एंड सेल दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब जो रिटेलर होते हैं ये क्या करते हैं, होल सेलर से माल परचेस करते हैं और किसको सेल्स करते हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, यानी जो उस माल को खरीद कर उसको यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है ना, वो अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो माल को परचेस करके उसका सेल्फ यूज़ करता है। तो जो रिटेलर होते हैं ये होल सेल से माल खरीद कर किसको बेचते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचते हैं। द रिटेलर हैज़ टू मेंटेन ए वेराइटी ऑफ गुड्स। अब जो रिटेलर होते हैं ना ये बहुत सारे माल की वैरायटी को मेंटेन करते हैं, होल सेलर तो एक या दो वैरायटी ही रखता है माल, और जो रिटेलर होता है ये सभी वैरायटी के माल, जैसे ऑयल हुआ, ऑयल के अंदर जितनी भी वैरायटियां हैं, सोप हुआ, सोप के अंदर जितनी भी वैरायटी हुई है, सबको मेंटेन करके चलता है। तो इंटरनल ट्रेड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, होल सेल ट्रेड, होल सेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसके अंदर जो होल सेलर एक लार्ज क्वान्टिटी के अंदर मैनुफैक्चरर से कैश के अंदर माल खरीदता है और अपने जो रिटेलर होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रेडिट में माल बेचता है। होल सेल सेलर को क्या करना पड़ता है, एक लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, और होल सेल बिजनेस करने के लिए एक लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। रिटेल ट्रेड में बताया, रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड के अंदर जो होल सेल होता है ये मैनुफैक्चरर से माल खरीद कर जो रिटेलर होता है ये होल सेलर से माल खरीद कर अल्टीमेट कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी के अंदर माल बेचता है। इसको किसी प्रकार के स्टॉक करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना, और ये बहुत सारी माल की वैरायटी भी अपने पास रखते हैं। अब आ जाइए एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, तो इंटरनल ट्रेड तो क्या है, होम ट्रेड है। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, देखिए, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, जब एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाकर आप माल को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। यानी जैसे इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, अब इंडिया का बिजनेसमैन आउट ऑफ कंट्री, यानी जैसे ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, वहाँ से माल को बाइंग कर रहा है ना, और बाइंग करके वो अपने देश में बेच रहा है, तो वो इंटरनल बिजनेस है। या फिर अपने इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, अब वो इंडिया के जो गुड्स हैं है ना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उसको बाहर जाकर बेच रहा है, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड है। तो इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, जब दूसरे देशों से माल अपन खरीद कर बेचते हैं, मतलब अपन खरीद रहे हैं, तो वो तो हो गया इंपोर्ट, और जब अपने देश के अंदर कोई माल मैन्युफैक्चर हो रहा है और अपन अदर कंट्री में जाके बेचते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट।
तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री की जो बाउंड्री होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अगर उससे बाहर जाकर अपन गुड्स और सर्विस की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। और जो ये एक्सटर्नल ट्रेड होता है ये दो या 200 से अधिक देशों के बीच में होता है। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज़ वेरी वाइड। एक्सटर्नल ट्रेड का जो मार्केट होता है वो बहुत ही वाइड यानी बहुत ही बड़ा होता है। एक्सटर्नल ट्रेड इनेबल द बिजनेसमैन टू यूज़ द रिसोर्स ऑफ दियर कंट्री इन ए कॉम्पिटिटिव वे। अब एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ये अपने जितने भी इंटरनल रिसोर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स कंप्लेंट्स ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। अब एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे लाइसेंसिंग है तो लाइसेंसिंग बनवानी पड़ती है, कस्टम क्लियरेंस करने पड़ते हैं, जो भी है। एक्सटर्नल ट्रेड इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं। जैसे इंटरनल ट्रेड टू टाइप्स के नहीं होते थे, होलसेल्स और रिटेलर होते थे नहीं होते थे, उसी प्रकार एक्सटर्नल ट्रेड भी थ्री टाइप्स के होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट का मतलब होता है, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अपन इंडिया के अंदर कोई गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसकी डिमांड अदर कंट्री में, तो जब इंडिया के जो ट्रेडर्स होते हैं अगर वो अदर कंट्री में जाकर माल को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। इम्पोर्टेड जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कमी इंडिया के अंदर है, ठीक है, और इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो चीज़ अगर दूसरे कंट्री से मंगा के उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी दूसरी कंट्री से माल मंगा रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट होगा। इम्पोर्ट का मतलब एक तरीके से तो खरीदना, जब अपन दूसरे देशों से माल खरीदते हैं ना तो वो इम्पोर्ट हो गया, और जब दूसरे देशों को माल बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। एक होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब अपन दूसरे देशों से माल मंगाकर और किसी अदर कंट्री को माल बेचते हैं, जैसे अमेरिका से अपन ने मशीनें मंगाई तो अब वो मशीनें अपन ने यूज़ नहीं करी बल्कि उन मशीनों को अपन ने ब्रिटेन में बेच दिया, फ्रांस को बेच दिया, तो वो इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। तो ये होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये तो फिर देखिए वहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री यानी विदेशी, जब विदेशी देशों को अपन माल सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इनकरेज एक्सपोर्ट। अब जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जिसके अपने भारत है डेवलपिंग कंट्री, ये एक्सपोर्ट को ज़्यादा इनकरेज करता है। क्यों करता है, एज इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व्स, क्योंकि इससे क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स में इंक्रीज होता है, फॉरेन करेंसी आती है। इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। जब अपन विदेशी देशों से माल खरीदते हैं तो वो इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज इनकरेज एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब इम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, अपन या तो कोई टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करते हैं या कोई कंज्यूमर गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं। इंटरपोर्ट, अब इंटरपोर्ट में क्या होता है, इट रेफर टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जब हम एक्सपोर्ट के पर्पज़ से कोई माल खरीदते हैं तो इंटरपोर्ट होता है ना। एक्सपोर्ट जैसे अपन को फ्रांस को मशीनें एक्सपोर्ट करनी है लेकिन मशीनें अपने पास नहीं है, अब अपन ने अमेरिका से मशीनें इम्पोर्ट करी, क्यों करी, ताकि हम फ्रांस को एक्सपोर्ट कर सकें, तो एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ से अपन को इम्पोर्ट करते हैं ना गुड्स सर्विस को, तो वो इंटरपोर्ट होता है। इन इंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर कंज्यूशन इन होम कंट्री। अब इंटरपोर्ट के अंदर क्या कहते हैं, अपन दूसरे देशों से माल परचेज करते हैं लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उस माल का कंज्यूशन करना नहीं होता है, बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री, बल्कि दूसरे देशों को उस माल को बेचना होता है। तो ये जो इंटरनल जो एक्सटर्नल थे ये थ्री टाइप्स के हो गए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स टू टाइप्स की होती है, एक ट्रेड, एस टू ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जब किसी भी गुड्स या सर्विस की बाइंग और सेलिंग होती है तो ट्रेड हो गया। ट्रेड टू टाइप्स का होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जब एक ही कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही किसी भी गुड्स सर्विस की बाइंग सेलिंग होती है तो इंटरनल ट्रेड होता है, इसको होम ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है वो होम करेंसी होती है। इंटरनल ट्रेड टू टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदता है और रिटेलर को सेल करता है तो वो होलसेल ट्रेड
होता है। इसके अंदर जो होलसेलर होता है इसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और इसको ज़्यादा माल स्टोर करके मेंटेन करना पड़ता है। और जो रिटेलर ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड के अंदर जो रिटेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, होलसेलर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदते हैं, है ना, और अपने जो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं उनको बेचते हैं। जो रिटेलर होते हैं ये सभी वेराइटी के गुड्स को मेंटेन करके चलते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में मैंने आपको बताया, जब एक देश की ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर अपन को बिजनेस करते हैं, माल की सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। एक्सटर्नल ट्रेड के लो, है ना, और इसको क्या नाम से एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसको दो या दो से देशों के बीच में होता है ये, ठीक है। और इसका जो मार्केट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसके अंदर जो बिजनेस मैन है ये अपने होम कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करता है, और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर जितने भी बिजनेस मैन होते हैं इनको सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो लाइसेंसिंग वाला हो या कस्टम क्लियरेंस वाला हो। एक्सटर्नल ट्रेड जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन दूसरे जो कंट्री होते हैं उनको माल सेल करते हैं, है ना। इम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, दूसरे देशों से माल परचेस करते हैं, और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से माल परचेस करना करके अनदर देशों को एक्सपोर्ट करना, ये इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर आता है। तो ये अपना ट्रेड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए एड्स टू एक्जुलेरियस टू ट्रेड, यानी अब इसके अंदर अपन वो चीज़ें पढ़ेंगे जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती हैं, अगर वो चीज़ें नहीं हों तो ये मान लो कोई ट्रेड ही नहीं हो, बिजनेस ही नहीं हो। तो द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड, यानी वो एक्टिविटीज़ जो किसी भी ट्रेड को स्मूथ फ्लो करने में हेल्प करती है, तो वो एड्स टू ट्रेड के नाम से जानी जाती है। दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी एड्स टू ट्रेड वाली एक्टिविटीज़, ये क्या करती हैं, गुड्स को बाइंग और सेल करने में बहुत ईजी बनाती है। यानी इन एक्टिविटीज़ के द्वारा, एड्स और एक्जुलेटरी ट्रेड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ईजी वे में माल को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज सर्विस एंड टुगेदर कंस्टिट्यूट सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ऑफ कॉमर्स। इन एक्टिविटीज़ को अपन कॉमर्स की टर्शियरी सेक्टर भी कह सकते हैं, कंज्यूमर सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं इनको। दीज हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड। अब बिजनेस के अंदर जितने भी हिंड्रेंस, जितने भी बाधाएं आती हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करती हैं। विच एराइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और माल के डिस्ट्रीब्यूशन में, माल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं। द कॉमन एक्जुलेरीज और एड्स टू ट्रेड आर, अब कौन कौन सी ऐसी एड्स हैं जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्जुलेरीज हैं जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती हैं। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको बताया दिया ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्रीवियस टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, फिर और देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो ट्रांसपोर्ट का अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या हेल्प करता है, ये माल को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, माल को, जितने भी गुड्स होते हैं उनको वन प्लेस से, यानी एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसमें कौन सा सेगमेंट हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर दीज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जहाँ पे माल का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से माल उठाता है और उन जगह पे पहुँचाता है जहाँ पे इसकी डिमांड होती है। द ऑफ्ट स्केल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। द ऑफ्ट स्केल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्लेस की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, टी इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम। अब जैसे टी है, अब टी जो बनती है, जो आती है, वो कहाँ से आती है, आसाम से आती है जी। टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आसाम में होता है एंड दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में होता है। बट इट कंज्यूम इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन इसका जो कंज्यूम है टी का, वो सभी देश के सभी पार्ट के अंदर इसका कंज्यूम होता है। दिस इज मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी कैसे पॉसिबल हो रहा है, टी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, आसाम में दार्जिलिंग हो रहा है, लेकिन उसका कंज्यूमशन ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया उस चाय को कैसे कंज्यूम कर रही है,
कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये ट्रांसपोर्ट के कारण पॉसिबल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्स टू द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। अब ट्रांसपोर्ट क्या करती है? हेल्पफुल है किस चीज़ के अंदर? ये क्या करती है? रॉ मटेरियल को और जो भी रिसोर्स है उसको इंडस्ट्री तक या फैक्ट्री तक पहुंचाती है। लेबर इज आल्सो मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विद द हेल्प ऑफ। अब जो लेबर है वो भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अलोंग द विद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आल्सो एन इम्पोर्टेंट सर्विस। अब ट्रांसपोर्ट के अलावा जो कम्युनिकेशन है ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड ट्रेडर। अब कम्युनिकेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोडक्ट की या कोई सी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। किसके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस, फैक्स, इंटरनेट। अब कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर आप पोस्टल सर्विस को यूज कर सकते हो, टेलीफोन सर्विस को यूज सकते हो, फैक्स को इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। तो इसके द्वारा जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी ट्रेडर्स है, ये आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हेल्प करती है। तो पहला एड्स है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद आ जाओ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस ये भी किसी भी बिजनेस को, किसी भी ट्रेड में हेल्पफुल है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एट्सेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये क्या करते हैं? ऐसे बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उधार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। बैंक्स हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फंड। अगर किसी भी बिजनेसमैन को फंड की प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक उसके अंदर हेल्प करता है। अलोंग विद प्रोविजन ऑफ फंड द कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक्स, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एट्सेट्रा। अब न सिर्फ लोन या फंड प्रोवाइड करवाता है बैंक, इसके अलावा दूसरी हेल्प भी करता है। कौन सी हेल्प? जैसे कि पैसों का कलेक्शन करना, डिपॉजिट करना चेक को, है ना, बैंक ड्राफ्ट को इशू करना और बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करना, ये भी हेल्प करता है। द बैंक्स आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ तक कि बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, कैश क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यहाँ तक कि फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में भी चेंज करवाता है और होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में भी चेंज करवाने में हेल्प करता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा भी जो बिजनेसमैन है वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मूथली चला सकते हैं। भाई पैसों की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए बैंक बैठा हुआ। बैंक कहता है कि अगर किसी बिजनेसमैन को पैसों की प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे लोन लीजिए, हमसे फाइनेंस करवाइए, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए इंश्योरेंस। बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो आज के ज़माने में काफ़ी रिस्क को बियर करते हैं और हर बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होती है और रिस्क भी कोई एक दो नहीं, वेरियस टाइप, बहुत टाइप्स की होती है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क। अब जो इंश्योरेंस है वो इस प्रकार के रिस्क को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उन बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन दे रहा है कौन? इंश्योरेंस। किस चीज़ से? रिस्क से। कौन सी रिस्क से? जो बिजनेस के अंदर आती है, सच एज रिस्क ऑफ लॉस, जैसे लॉस होने की रिस्क हुई। अब किस लॉस कैसे होगा? ड्यू टू फायर, आग लगने के कारण लॉस हो गया, थीफ्ट चोरी होने के कारण लॉस हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण लॉस हो गया। तो किसी भी प्रकार से अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उस लॉस से प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज आल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग। यहाँ तक कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किस चीज़ से? अगर मान लीजिए वो वर्क कर रहा है, वर्क करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, है ना, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देता है। बिजनेसमैन हैव टू पे ए नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो इंश्योरेंस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है प्रीमियम के रूप में। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। एंड इन रिटर्न दे गेट कंपनसेशन, और बदले में वो क्या रहते हैं? कंपनसेशन प्राप्त करते हैं
फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, लॉस होने पर किससे, इंश्योरेंस कंपनी, यानी जितने भी बिजनेसमैन हैं ये थोड़े से अमाउंट पे करके एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन ले लेते हैं। अगर थोड़ा सा पेमेंट करके वो थोड़े से जो पेमेंट देते हैं ना उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं ये प्रीमियम देकर इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले लेते हैं, रिस्क को बियर करने की प्रोटेक्शन ले लेते हैं। इसके बाद आ जाइए वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या होती है, देखो वेयर हाउसिंग यानी जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो होलसेलर होता है ना, ये एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में माल का प्रोडक्शन करते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में माल को खरीदते हैं। अब उस माल को खरीद कर कहाँ रखते हैं, स्टॉक के अंदर, तो वो स्टॉक ही क्या कहलाता है, वेयर हाउसिंग कहलाता है। तो यूजुअली देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अंदर टाइम का गैप हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनेबल बनते हैं बट डिमांड उसकी पूरे साल ही रहती है, ठीक है ना। और कुछ प्रोडक्ट्स जो साल भर बनते हैं लेकिन सीजनेबल में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो फिर वो ऐसे प्रोडक्ट को रखे कहाँ। तो गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली एंड व्हेन दीज आर प्रोड्यूस। अब जैसे माल बने तो ये आवश्यक नहीं कि उस माल का हाथों हाथ ही कंज्यूम होने में भी समय लगता है। माल बन गया अप्रैल में, कंज्यूम हो रहा है जनवरी में। फॉर एग्जाम्पल वीट राइस एटसेट्रा। अब जैसे गेहूँ है, चावल है, ये ऐसे हैं जो 3 महीने 4 महीने की पैदावार होती है इनकी, लेकिन यूटिलाइजेशन पूरे ईयर होता है। आर प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर सीजन बट ओनली बट दीज आर कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। अभी जो वीट है, राइस है, अब इनका प्रोडक्शन सीजनेबल होता है लेकिन इनकी जो डिमांड होती है, जो कंज्यूमशन होता है, वो पूरे साल होता है। सो दियर आर टू बी स्टोर, इनको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ टू बी मेड टू स्टोर द गुड्स टू प्रिवेंट द लॉस एंड टू कीप देम फ्रेश। अब अगर मान लो अगर चावल का स्टोर नहीं करें, इनको वैसे छोड़ दें तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो इनको फ्रेश रखने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो वो स्टोर क्या होता है, वेयर हाउसिंग होता है। तो वेयर हाउसिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरेज। तो वेयर हाउसिंग क्या करती है, बिजनेसमैन को स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करती है। वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्शन कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स। अब जो वेयर हाउसिंग की जाती है ना, गुड्स के नेचर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वेयर हाउसेज फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। तो वेयर हाउसिंग जो है वो क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस चीज़ की, गुड्स को रखने की। अब लास्ट आ जाइए एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से हेल्प करता है। तो प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल फॉर ए मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर का ट्रेडर्स के साथ और कंज्यूमर्स के साथ कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो बहुत दूर रहते हैं, जैसे हरियाणा का मैन्युफैक्चरर है। अब हरियाणा के मैन्युफैक्चरर का और अपना क्या कॉन्टैक्ट, अपन ना तो उसको जानते हैं और अपना अपन को जानते हैं, और ना टोक के जितने भी दुकानदार हैं वो भी उसको क्या जाने, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल है। तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम में एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है। गुड्स आर एडवर्टाइज्ड टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट दियर यूजेस, क्वालिटी एंड प्राइसेस। अब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसकी सारी नॉलेज अपन को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स रिक्वायर्ड न्यू गुड्स। अब जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या करता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके सारे कंज्यूमर्स के बीच में उस न्यू प्रोडक्ट की जानकारी देता है, उनको अवेयरनेस करता है, एंड दियर यूजेस, और उनका यूज़ क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी बताता है। एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। अब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपन क्या करते हैं, गुड्स की सेल को प्रमोट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसके द्वारा आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक अच्छा एड देकर, अच्छे एडवर्टाइजमेंट देकर आप लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उसकी प्राइस क्या है, कौन सी क्वालिटी का है, कब कहाँ मिलता है ना, ये सारी चीज़ों की डिटेल अपन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। तो ये थे अपने एड्स टू ट्रेड, एक्सेलरेटर्स टू ट्रेड, ठीक है। चलिए, तो ये कॉमर्स के जो सेगमेंट होते हैं ना, सेम वही है और वही वर्क है जो कॉमर्स सेगमेंट का है।
तो ये अपना टॉपिक हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर चलता था अपना, अब फर्स्ट चैप्टर की अपन बात करें तो फर्स्ट चैप्टर बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस क्या होता है ये पढ़ा दिया गया है, बिजनेस के नेचर पढ़ा दिए गए हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो बिजनेस के अंदर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज आपको पढ़ा दी गई, इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, कॉमर्स क्या होता है कॉमर्स आपको पढ़ा दिया गया है, कॉमर्स के अंदर जो ट्रेड आते हैं वो ट्रेड आपको पढ़ा दिए, ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड होते हैं ये बता दिया, ठीक है। चलिए साहब, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओके। अब आप इसको सेल्फ स्टडी करिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है ना उनको क्लियर करिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उस डाउट को भी आप क्लियर करिए, डाउट क्लासें आपकी लगेंगी, और कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो कोई इशू हो तो आप शेयर करें, ओके। थैंक यू।